अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ बनीता डेविड। अपने पसंदीदा ड्रामे देखें हमारे YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें TV1 पर। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट ड्रामों के अलर्ट्स देख सकें तो फिर बजाइए घंटी यानी बेल का बटन। यहाँ इतना सन्नाटा देखकर तो मुझे लगा कि मैं किसी गलत घर में आ गई हूँ। दिल मिलने के लिए तो एक लम्हा चाहिए, वरना पूरी जिंदगी भी लगे रहें तो नहीं मिलते। बातें बहुत अच्छी करते हो। मुझे उससे अलर्ट रहना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था, उसमें मुकम्मल एतमाद करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। नताशा निम्रा ऐसी लड़की नहीं थी। बिकॉल तुम्हारे, इज्जत तो सना भी बहुत करती थी तुम्हारी। सब अच्छी तरह जानते हैं कि मैं खुली किताब हूँ, जो हूँ सबके सामने हूँ। तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल? क्या मतलब? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो बात तो उसी दिन खत्म हो गई थी। बिल्कुल नहीं, उस बात को मैं अपने अंदर दबा गया था, लेकिन वो रात में आज तक भूला नहीं। अगर इतनी ही मैं नाकाबले भरोसा हूँ तो जो कुछ दिन पहले आपने मुझसे मोहब्बत के वादे किए थे, जिंदगी नए सिरे से गुजारने का कहा था, वो सब क्या था? मोहब्बत माय डियर, लव इज ब्लाइंड। हर रात के बाद उजाला होता है, हर नींद के बाद आंख खुलती है, और जब आप जाग जाएं तो एहसास होता है कि हर ख्वाब सुहाना नहीं होता। क्या तुम्हारी तरफ से कुछ बचा है? मैंने तो माँ के मुकद्दस और पाकीज़ा रिश्ते को खैरबाद कह के आपके रिश्ते को अव्वलियत दी है। मैं भला आपके एतमाद को कैसे ठेस पहुंचा सकती हूँ? यही तो, अगर तुम दुनिया के वाहिद बेलॉस रिश्ते के नहीं हो सकी तो मैं तुम पर कैसे एतमाद कर सकती हूँ? मुझे यूं तनहा मत करें। इस तन्हाई के जिम्मेदार तुम खुद हो सना, क्योंकि रौनकें तो तुम्हें पसंद ही नहीं। मगर मुझे आपका साथ पसंद है। देखो, मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता और ना ही तुम करो। मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। रानी, ओह माफी चाहता हूँ रायमा, आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ेगी ना। मुझे सुस्त रफ्तार लोगों से सख्त नफरत है। आइंदा देखना, मुंह से एक बार भी रानी नहीं निकलेगा। अगर आइंदा भूला भी ना तो गरम गरम चाय तेरे मुंह पे उंडेल दूंगी। चल कोई बात नहीं, इस बहाने तेरे हाथ की बनी हुई चाय तो पीने को मिलेगी। चाय तो मैंने तुझे उस वक्त भी नहीं पिलाई थी जब मैं तेरे घर में रहा करती थी और तू मेरा मालिक मकान होता था। अच्छा, अब तू मुझे अपने घर में रहने का ताना दे रही है? और हाँ, वो मैंने गैस का बिल भर दिया। गैस का बिल होता कितना है? 200 रुपये? वो भर के तूने मुझ पर एहसान किया है? अच्छा, ये देख, ये कैंटोनमेंट का बिल आया है, ये तू मालिक मकान को दे देना, ये मालिक मकान भरता है। है तो मालिक मकान का भी तू भी तो था, तू खुद भर देना। ओह नहीं, जिस घर का बिल है ना उस घर का मालिक खुद जाके बिल भरता है। ये वाटर टैक्स, ये क्या लिखा है, क्या कहते हैं इसको? लिखा। ओह हाँ, ये लफ्ज़, मगर ये तो किराएदार को खुद ही भरना पड़ता है ना। हाँ, ये तो किराएदार को ही भरना पड़ता है। ये तो 4000 का है, चलिए मैं खुद भर दूंगा। मौलाना,
तू कितना अच्छा है ना। अगले महीने का बिजली का बिल भी तू ही भर। हाँ हाँ, मैं एसी का बिल मैं भर दूँ। हेलो हेलो सना, मैं साद। सना, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात कहनी है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए साद, दोस्ती के दम भरते हो और दोस्तों को ही परेशान करते हो। देखो सना, जो बात मैं तुमसे करना चाहता हूँ उसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। हाँ बिल्कुल, मेरा फ़ायदा तो सिर्फ तुम ही सोच सकते हो ना। जानते हो तुम्हारी वजह से मुझे कितना नुकसान हुआ है? आज तुम्हारी वजह से मेरा और अदनान का रिश्ता तनाव का शिकार हो गया है। देखो सना, मुझे इसी बारे में तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है और क्या क्या सुनूं मैं तुमसे? तुम्हारी बातें सुन सुन करके आज मैं हॉस्पिटल में पहुंच गई हूँ। क्या तुम बीमार हो? हाँ बीमार हो गई हूँ मैं। देखो कौन से हॉस्पिटल में मैं आऊँ? नहीं नहीं प्लीज, कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि मेरे मरने पर मेरी कब्र पर फूल चढ़ाने भी मत आना तुम। सना, मरने की बातें मत कर। हाँ तो मुझे जीने दो ना। सना प्लीज, तुम एक बार मुझसे मिल तो लो। कयामत आ जाएगी। सना कोई कयामत नहीं आएगी, जिससे तुम डर रही हो उससे आजकल तुम्हारी बिल्कुल फिक्र नहीं। सना वो तो तुमसे गाफिल रहता है, प्लीज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या सोच रहे हो अदनान? सोच रहा हूं कि रायमा मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई है। हाँ उसकी वजह से तुम्हें फायदा भी तो बहुत हुआ है, करोड़ों का प्रोजेक्ट मिला है। मेरा ख्याल से तुम उस पर कुछ ना कुछ स्पेंड करो, क्योंकि इतना तो वो डिजर्व करती है। डिजर्व तो वो बहुत कुछ करती है, लेकिन जितना भी मैं उस पर स्पेंड कर रहा हूँ वो उसे एहसान समझती है। हालांकि एहसान तो उसने तुम पर किया है, सिराज से जो तुम्हारा पैचअप करवाया उसने। हाँ उसने मेरे सर से बोझ तो उतार दिया। इस काम के लिए अगर मैं लाखों का एम्प्लॉई भी रखता तो कोई फायदा नहीं था। एक बात तो मानने वाली है, रायमा है तो खूबसूरत। लेकिन औरत को शीशे में उतारना इतना आसान नहीं। आई नो, सर पोकली में देने के बराबर है। इन माय ओपिनियन औरत जब तक महबूबा रहे तो सब कुछ ठीक रहता। बीवी बनता ही जिंदगी मुश्किल बना देते। मेरे ख्याल से ये तुम अपने जाती तजर्बे की बिना पर कह रहे हो। वैसे भाभी का मिजाज कैसा है? जैसा होना चाहिए वैसा बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से तुम पुरानी बातें भूल जाओ, तुम्हें रायमा मिल गई है तो तुम भाभी से ताल्लुकात खराब मत करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बंदोबस्त करता हूँ। वैसे कितना मजा है अगर अचानक ऊपर से अदनान आ जाए। तुमने यहां मुझे अपना ये बेहुदा मजाक सुनाने के लिए बुलाया? सना, जस्ट रिलैक्स।
तुम इतनी संजीदा बैठी थी, मैंने सोचा थोड़ा हंसी मजाक हो जाए, लेकिन तुम्हें तो गुस्सा आ रहा है। लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है, तुम तो मेरे जोक्स एंजॉय किया करती थी। मुझे तो लगता है मुझे यहाँ बुलाने के बाद तुमने अदनान को इन्फॉर्म कर दिया होगा। वो यहाँ पर आए ताकि मुझे देखे और क्या क्या हो जाएगा अगर वो यहाँ आ जाए तो? मेरा घर खराब हो जाएगा। पहले कौन सा सही चल रहा है? और इसकी वजह भी तुम हो। इसमें तुम्हारी गलत फहमी कम और खुश फहमी ज्यादा है। अपना घर बचाना और उसे आबाद रखना खुश फहमी कहलाता है? सना, जहन्नम की तैयारी करके जन्नत का तसव्वुर करना खुश फहमी कहलाता है। What do you mean? तुम चाहते हो कि मैं अदनान को छोड़ दूं? तुमने अपने आप को जहन्नम में झोंक दिया सर, और मुश्किल यह है कि तुम अब वहां से निकलना ही नहीं चाह रही। मैं तो यह समझा था कि अब तुम्हारी आंखें खुल चुकी होंगी, तुम्हें अदनान की शख्सियत का अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा। उसने तुमसे शादी सना अपनी अना की तस्कीन और तुमसे इंतकाम लेने के लिए की थी। फोम मुझसे इंतकाम क्यों लेंगे? हाँ, ये बात भी है, लेकिन इस बात का जवाब तुम अच्छी तरह जानो। अगर ऐसी बात है तो उसकी उसकी शामें बल्कि उसकी रातें अपनी नौ ब्याहता बीवी को छोड़कर किसी और के साथ क्यों गुजरती? किसी और के साथ? जाहिर है वो पागल नहीं है जो रातों को अकेले सड़के नापता फिरता है। तुम जानती हो कि वो अक्सर रात को तुम्हारे साथ नहीं होता। अगर फिर भी तुम्हारा दिल नहीं मानता तो मैं ये साबित कर सकता हूँ। मुझे किसी सबूत की कोई जरूरत नहीं है, पहले ही तुम्हारी जासूसी मुझे बहुत महंगी पड़ रही है। सना, ये सारे बहाने, मुझे एक बात बता, जब कोई किसी से नाराज होता है तो खफगी का इजहार करता है, जो अपनी याशियों की तरह मायल नहीं हो जाता। सना, मैं तुम्हें आबाद देखना चाहता, लेकिन घर की खाली दीवारों को देखकर कोई आबादी का नाम नहीं लेता। जो तुमसे प्यार करता है वो तुम्हारा जीना हराम करके खुद अय्याशी में नहीं पड़ सकता। फॉर गॉड्स सेक सना, इस बारे में ठंडे दिल से सोचो प्लीज। हेलो। हाँ बासित, मैं अदनान का वेट कर रही हूँ। हाँ बस आ रहे हैं। हाँ हाँ, हम लोग आ रहे हैं बस थोड़ी देर में। ओके बाय। सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। चलो। थोड़ी नहीं, काफी देर हो चुकी है। बासित बार बार कॉल्स कर रहा है, वो बेचारा वहाँ अकेला बोर हो रहा है। हाँ चलो चलो। अदनान, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं, बस वो छोटा सा एक मसला था। तुम्हारी बीवी तो ठीक है? हाँ ठीक है, और अगर ना भी हो तो तुम्हें क्या लगता है मैं उसके लिए परेशान हूँ? होना चाहिए, बीवी है वो तुम्हारी। देखो मेरा मूड पहले ही ठीक, मजीद खराब मत कर, चलो चल कर एंजॉय करो। अदनान, हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं, वहाँ पहुँचने तक पार्टी भी खत्म हो जाएगी, क्यों ना हम दोनों यही पार्टी करें? Not a bad idea. तो ठीक है, बासित को वहीं बोर होने दो और हम अपनी पार्टी लेंगे। मैं भी आई। hmm.
हेलो हेलो सना साद बोल रहा हूँ। बोलो। आज मुलाकात हो सकती है? कोई फायदा नहीं, क्योंकि जिस वजह से तुम मुझसे मिलना चाहते हो वो पॉसिबल नहीं। मतलब? मतलब ये कि मैं अदनान को नहीं छोड़ सकती। सना प्लीज, तुम दिल से नहीं दिमाग से सोचो। सोचने समझने का कुछ रहा ही नहीं साथ। मैं कैसे उस शख्स को छोड़ दूं जो मेरे बच्चे का बाप बनने वाला। What? हाँ, I'm pregnant. मैं कैसे उस शख्स को छोड़ दूं जो मेरे बच्चे का बाप बनने वाला। I'm pregnant. I'm pregnant. I'm pregnant. It's a tea for you. Thank you. You're welcome. मैं तो ये सोच रहा था कि तुम अब कभी नहीं आओगी। क्यों? नताशा, तुम्हारा शिकवा जायज था। मैंने कोई शिकवा नहीं किया था साद, मैंने हकीकत बयान की थी। और मैं हमेशा हकीकत का सामना करने से डरता रहा। साद, जो किस्मत में लिखा होता है वो होके रहता है, इंसान किस्मत से नहीं लड़ सकता। ठीक कह रही हो तुम, मैं किस्मत से लड़ना चाहता था और इस लड़ाई में मैं इतना मगन हो गया, इर्द गिर्द के लोगों का मुझे एहसास ही नहीं रहा। हालांकि वो सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, अब मैं इन सब के साथ चलना चाहता। काश आज साविया भी होती। तुमने अपनी सोच बदल दी है साद, वो जब भी तुमसे मिलेगी बहुत खुश होगी। मैं तो भूल ही गया, मुझे आज आंटी से मिलने जाना था। खैरियत? हाँ, वो सना से बात हुई थी, शी इज प्रेग्नेंट। ये तो आंटी के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। और मुझे ये खबर पहुंचाने में देर नहीं करनी चाहिए, तो मैडम मैं शूज पहन के आता हूँ। ओके साद, मैंने बहुत सोचा और आखिरकार इस नतीजे पे पहुंची कि आपकी जिंदगी में कोई रहे ना रहे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम यही सोचते रहे कि वो शख्स हमारी जिंदगी में क्यों नहीं रहा, तो इससे किसी दूसरे को फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क हमें खुद पड़ेगा। सारे प्रॉब्लम्स हमें खुद फेस करना पड़ेंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे। ऐसे आंटी, आपने सरफ खूब निकाला है, और चक्कर लग रहे हैं आपके बाजार के। हाँ, ऐसे ड्रेस डिजाइनिंग इतना आसान काम नहीं है जितना लोग समझते हैं। वैसे आंटी, मैं सोच रहा था कि अगर आपको किसी किस्म की हेल्प की जरूरत हो तो आप मुझे कह सकती हैं, मैं आपके साथ चला जाऊंगा। अरे, तुम धागे और लेसेस लेते हुए अच्छे थोड़ी लगोगे, और तुम्हारा अपना काम भी बहुत टफ है, किस तरह टाइम दे सकोगे? अरे, वही तो मैं कह रहा था कि सारा एडवेंचर से एंटरटेनिंग हो जाएगा, दैट्स व्हाई। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि फैशन डिजाइनिंग एंटरटेनिंग है, काफी टफ काम है ये। वैसे आंटी, कभी आपने सोचा नहीं कि कहीं अंकल से मुलाकात हो जाए? अंकल कौन? आई मीन सना के डैडी। औरत का दिल अगर किसी मर्द से एक बार उतर जाए तो औरत की जिंदगी में दोबारा उसकी जगह नहीं बनती। और अगर उस औरत ने उस मर्द से टूटकर मोहब्बत की हो तो? हाँ, टूटकर प्यार करने की वजह से एक हद तक मर्द की ज्यादतियां बर्दाश्त की जा सकती हैं, लेकिन अगर कोई भी ज्यादती औरत की इज्जत नफ्स को मजरूह कर दे तो वो ज्यादती कभी बर्दाश्त नहीं हो पाती।
या फिर अगर वो मर्द उस औरत के बच्चे का बाप हो तब भी? क्या हो गया तुम्हें, किस किस्म की बातें कर रहे हो? क्या मुस्तकबिल करीब में तुम्हें किसी औरत को टॉर्चर देना है? अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आंटी, बस यूं ही। औरत जब माँ बन जाती है तो उसकी सारी खुशियाँ उसकी औलाद से वाबस्ता हो जाती हैं, और उस वक्त औरत को ये फैसला करना पड़ता है कि उसकी औलाद की भलाई किसमें है, उस मर्द के साथ रहने में है या उससे अलग हो जाने में। थोड़ी देर तो बैठो, आई थिंक क्या चलती है। नहीं अदनान, कोई देख लेगा। कम ऑन, कोई नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं देखेगा, कोई परवाह नहीं करता यहाँ। गार्ड्स भी खड़े हुए, इनकी क्या औकात है, कुछ नहीं होता। दान, अभी तुम नशे में हो, मेरा ख्याल है तुम्हें जाना चाहिए। इतनी भी क्या जल्दी है, अगर है तो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। नहीं नहीं, तुम नहीं, वहाँ घर पर। क्यों, कौन है घर पे? घर पर अब्दुल शकूर है, अच्छा नहीं लगेगा कि अगर उसने देख लिया, बल्कि मैं खुद भी नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ आओ। क्यों, तुम क्यों नहीं चाहती? अदनान, हम बाद में बात करते हैं, अभी तुम जाओ। खुदा ना, अभी तक सोया क्यों नहीं? इतनी रात हो गई है। आधी रात? आधी रात कहाँ, अब तो सुबह होने वाली। सुबह? हाँ, मेरे सोने का टाइम है, मैं जा रही हूँ सोने। एक मिनट, संभल के, तेरी तबीयत तो ठीक है रायमा? हाँ, मेरी तबीयत को क्या हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आज तेरे पास से इतनी बदबू क्यों आ रही है? कौन सी बदबू, मेरे पास से तो खुशबू आ रही है, इतना महंगा परफ्यूम जो लगाया हुआ है मैंने, तुम गरीबों को क्या पता। चल चल हट। अजीब सी बदबू है, अल्लाह तौबा 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 तौबा। चलो कोई साफ सा चैनल देख दो। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बल्कि यूं समझिए कि आपको एक न्यूज देनी है। पिछले कुछ दिनों से
जिंदगी में कितनी हलचल रही थी ना, थकन का एहसास होने लगा था। एंड आई एम श्योर वो खबर सुन के आप भी बिल्कुल मेरी तरह फील करेंगे। अदनान, आई एम प्रेग्नेंट। अदनान, अदनान। साद, तुमने आंटी को बताया क्यों नहीं कि वो नानी बनने वाली है? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है मैं जो बातें छेड़ बैठा था उसके बाद मुझे लगा कि वो बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। फिर तो तुम्हें उन्हें जरूर ये बात बतानी चाहिए, एटलीस्ट इतने दिनों से जो उदासी के बादल छाए हुए हैं वो झड़ जाते। Are you sure? Yes, of course. लोग अपने बच्चों से नाराज होते हैं लेकिन अपने बच्चों के बच्चे इन्हें बहुत प्यारे होते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मैं बार बार खुद को एक बात का यकीन दिलाने की कोशिश करता हूँ लेकिन यकीन नहीं कर पाता। कौन सी बात? यही कि सना इन हालात में अदनान के साथ जिंदगी गुजार पाएगी या नहीं। तुम क्यों नेगेटिव सोचते हो, सना से सीखो। ये सब कुछ फेस करने के बावजूद वो कितनी पॉजिटिव है। नताशा, लोगों के डर से जुल्म सहते रहना कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं है। जब कोर्ट में जाके अपनी मर्जी से शादी की है तब खौफ नहीं आया तो अब खौफ कैसा? खैर, एक होप तो है कि शायद ये बच्चा अदनान के रवैये को बदल दे। आप ऐसा कर लें कि आप मेरी तरफ आ जाएं या मैं आपके ऑफिस आ जाता हूं, इसी बहाने लंच भी कर लेंगे और गपशप भी हो जाएगी सारी बिजनेस से रिलेटेड। कलन साहब, ये बातें फोन पर नहीं होती। अच्छा चले, मैं आपका वेट करूं। ओके बाय। अदनान, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे। अरे सिर्फ दो मिनट चाहिए। देखो, ये ऑफिस जाने से पहले डोमेस्टिक गुफ्तगु मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरी सारी ऑफिशियल कॉन्सेंट्रेशन खराब हो जाती है। अच्छा तो फिर क्या आज शाम को आप जल्दी आ सकते हैं? सना, मैं ऑलरेडी ऑफिस से लेट हो चुका हूँ, तुम कैसे एक्सपेक्ट करती हो कि मैं शाम को जल्दी आ जाऊँगा? वैसे काम क्या है? वो मेरा बहुत दिल चाह रहा था, काफ़ी दिन हो गए हमने साथ इवनिंग स्पेंड नहीं की है, क्या हम आज लॉन्ग ड्राइव पर चलें? तुम्हारा अपने घर में दम घुटता था, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है। तो फिर तुम घर पर क्यों नहीं बैठती हो? एक्चुअली तुम्हें खुद सुकून नहीं है ना, इसलिए मुझे सुकून नहीं लेने दे सकते। मुझे आपसे सिर्फ एक बात करनी थी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। माय वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग, अंडरस्टैंड? एक बात तो बताओ, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मैं, मम्मी, पापा और एक छोटी बहन। बहन क्या करती है? पढ़ती है। गुड। और अम्मी? वैसे तो अम्मी घर पर होती है लेकिन आज मजार गई है। मजार? मजार क्यों? उन्होंने मेरे पास होने की मन्नत मानी थी, वही पूरी करने गई। मन्नतें मानने से मुरादें पूरी हो जाती हैं? अपने अपने अकीदे की बात है, अगर यकीन सच्चा हो तो जरूर पूरी हो जाती है। ख्वाहिशें मुराद नहीं होती,
और यकीन, यकीन तो खुद पर भी नहीं रहा। गलत, ख्वाहिशें ही मुराद होती हैं। जानती हो, इंसान अपनी ख्वाहिशात का गुलाम होता है और होना भी चाहिए, तभी तो वो इंसान है, वरना वो फरिश्ता होता। हाँ, ये बात और है कि ख्वाहिशात को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि कोई गलत रास्ता अख्तियार करना पड़े। बाज़ुकात सही और गलत का फैसला करने में मुद्दतें लग जाती हैं, इसलिए तो बुजुर्गों के साए में रहना चाहिए, फैसला करने में आसानी होती है। वालेकुम सलाम, बैठो बैठो। थैंक यू। खैरियत तो है ना? बिल्कुल ठीक ठाक आंटी, ये सब खैरियत है, ये आपके लिए। क्या है ये? ये मिठाई। मिठाई किस खुशी में? आंटी सना माँ बनने वाली है। क्या? क्या हुआ आंटी, आपको खुशी नहीं हुई? जब बेटी खुश हो तो माँ कैसे ना खुश हो सकती है। आंटी वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता था, जैसे अल्लाह ने आपको ये खुशी नसीब की है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सना की तरफ से आपको हमेशा अच्छी खबर मिलती रहे। खुदा तुम्हारी जबान मुबारक करे। आंटी एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, आप इस बात को क्यों नहीं मान लेती सना अपने घर में बिल्कुल खुश है? साथ में एक माँ हूं और माँ को यकीन करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। वैसे भी मैं अदनान से मिल चुकी हूं, उस शख्स से मिलकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि वो शख्स कभी किसी को खुश रख सकता हो। अच्छा आंटी छोड़ो ना, ये मिठाई ऐसे पड़ी रहेगी या साथ में चाय भी हम नोश फरमाएंगे? अगर आप चाहें तो चाय भी मिल सकती है हमें। तुम बैठो, मैं चाय बनाती। What? साना? What the hell is this? मैं तो समझता था कि तुम्हारा टेस्ट कुछ तो बेहतर होगा। ये किस किस्म की तस्वीरें तुमने कमरे में लगाई हुई? अगर पेंटिंग्स ही लगानी थी तो मुझसे कहती, मैं किसी मशहूर आर्टिस्ट की पेंटिंग्स लगवाता। तो क्या बुराई है उन तस्वीरों में? बहुत खूबसूरत तस्वीरें। और जस्ट शट अप, हटाओ उन्हें वहां से। अदनान मुझे उनकी जरूरत है। What? Yes. I'm pregnant. How come? अभी तो हमारी शादी हुई। तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है सना। बच्चा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और मैं भी उस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं। अदनान मैं समझती हूँ हम लोग उस बच्चे को अच्छी तरह से पाल सकते हैं। बच्चा एफोर्ड करना, उसकी तरबियत करना दो अलग अलग चीजें हैं। मेरे पास पैसा है लेकिन वक्त नहीं है, इसलिए फिलहाल मैं किसी ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। जस्ट गेट रिड ऑफ इट। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? समझ में नहीं आता क्या? अबॉर्ट करवा लो इसे। एबॉर्शन? इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह कैसे दी आपने? आसान बात आसानी से ही कही जाती है। आपको क्या लगता है एबॉर्शन कराना इतनी आसान बात है? इसमें ऐसी क्या मुश्किल है, लाखों औरतें करवाती हैं। लाखों औरतें गुनाह करती हैं तो क्या मैं भी उस गुनाह में शामिल हो जाऊं? गुनाह और सवाब मुझे मत समझाओ तुम। जब कह दिया कि ये बच्चा नहीं चाहिए मुझे तो नहीं चाहिए, समझी तुम?
अपने घर खुद साफ करनी पड़ती है, वरना तय दर तय कब्र की सूरत इख्तियार कर लेती है। या अल्लाह, खौफ से रब याद आता है, मगर क्या रब से खौफ नहीं आता? आज मैं फील कर रहा हूँ कि जब से तुम आई हो तुम्हारा मूड बहुत अजीब सा है। इंसान का मूड हर वक्त एक जैसा नहीं होता, कभी वो उदास भी हो सकता है। मुझे बताओ क्या उदास है? ताकि तुम्हारी उदासी दूर की जाए। कभी कभी उदासी बेसबब भी होती है, इंसान को खुद ही नहीं पता चल रहा होता कि बेचैनी है क्या। ये कोई यूरोप अमेरिका नहीं है जहाँ पर फॉर्म पर सिर्फ माँ का नाम लिखा जाए। क्या लिखोगी वहां पर बाप का नाम, राव अदनान या फिर साद? जरूरी नहीं राय माँ कि मजार पर बैठा हुआ हर शख्स अच्छा और नेकी हो। जरूरी तो ये भी नहीं मौलाना, बाइज्जत घर में रहने वाला अच्छा और नेक भी हो।